नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। 20 जवानों की शहादत के बाद भी भारतीय सेना डटी हुई है और चीन को पीछे भेजना चाहती है। इस बीच अब गुरुवार को एक बार फिर दोनों देशों की सेनाएं बातचीत की टेबल पर बैठेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारत और चीन के बीच जारी विवाद पर केंद्र सरकार से सवाल करना लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर दो सवाल पूछे। राहुल ने सवाल किया कि चीन की ये कैसी हिम्मत कि उसने हमारे निहत्थे जवान को मार दिया, हमने अपने सैनिकों को निहत्था शहीद होने के लिए क्यों भेज दिया था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में संक्रमित होने वाले और मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा ही देखा जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में जरा भी कमी नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अब कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की रैंकिंग में चौथे पायदान पर पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। अवंतीपोरा के माधी इलाके के मिजपनपो में बुधवार और गुरुवार की मध्यरात्रि करीब 2 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई जो अब तक जारी है। लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल थल और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई बैठक में लिया गया। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि शहीद हुए भारतीय सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारत को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत को 192 में से 184 देशों का वोट मिले। भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य होगा। नाटो चीन के संबंध में अपनी स्थिति को फिर से दुरुस्त कर रहा है। इस शक्तिशाली सैन्य समूह की एक शीर्ष अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा है कि बीजिंग पहले से कहीं अधिक उसके रडार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जो चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। उइगर समुदाय के खिलाफ चीन की कार्रवाई को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विधेयक को हरी झंडी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।